अस्सलाम वालेकुम। तो नेक्स्ट स्केल जो है वो आपके पास है इंटरवल स्केल। द नंबर्स इंडिकेट एट एक्चुअल क्वांटिटी एंड एन इक्वल अमाउंट सेपरेट्स एनी एडजेसेंट नंबर्स। हाउएवर ऑल्दो इंटरवल स्केल्स डू नॉट इंक्लूड द नंबर जीरो, इट इज़ नॉट अ ट्रू जीरो। यहाँ पर जो आपको बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि ये क्वांटिटीज जो होंगी वो आपके नंबर्स ही होंगे, जैसे आपके पास नॉर्मली नंबर्स होते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें हर दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो इक्वल होगा। जैसे वन और टू के दरमियान डिफरेंस है, टू और थ्री का डिफरेंस जो है वो इक्वल होगा, जो कि ऑर्डिनल स्केल में नहीं था। ऑर्डिनल स्केल में आपको मैंने बताया कि वन और टू का हमें ये तो पता चल जाता था कि वन जो है वो ग्रेटर है टू से, टू ग्रेटर है थ्री से, या ए बी सी जब हमने किया तो ए ग्रेटर है बी से, बी ग्रेटर है सी से, लेकिन हमें उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं था, तो हमें ये नहीं पता चलता था कि कितना बेटर है। इंटरवल स्केल में ये प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कि हमें उसका वो भी पता चल जाता है कि दो नंबर्स के दरमियान डिफरेंस कितना है। तो हर टू नंबर्स के दरमियान इक्वल डिस्टेंस होगा, तो इसको हम कहेंगे इंटरवल स्केल। लेकिन इसके साथ जो बात लिखी हुई है इसमें ट्रू ज़ीरो नहीं होगा, यानी जो ज़ीरो है ये आपको नज़र तो आएगा लेकिन ज़ीरो का मतलब ये नहीं होगा कि नथिंग, ठीक है? जीरो बजाते खुद एक नंबर होगा। इट डज नॉट मीन नन ऑफ द वेरिएबल इज प्रेजेंट, यानी कुछ भी नहीं है ये मतलब नहीं होगा। एन इंटरवल स्केल आल्सो अलाउज नेगेटिव नंबर्स। इंटरवल स्केल में नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, जीरो भी होगा, पॉजिटिव नंबर भी होंगे, तो उनके दरमियान हर दो नंबर के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। तो फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दी जाती है इंटरवल स्केल में वो टेम्परेचर की दी जाती है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। टेम्परेचर आपका या तो सेंटीग्रेड में हो सकता है, सेल्सियस जिसको आप कहते हैं, या फारेनहाइट में हो सकता है। नॉर्मली फारेनहाइट हमारे पास यूज़ नहीं होता, लेकिन हम सेल्सियस में ज़्यादा काम करते हैं कि हमारा टेम्परेचर जो है वो इतने डिग्री सेंटीग्रेड है। तो एनी हो, टेम्परेचर जो है वो एक एग्जाम्पल है इंटरवल स्केल की। तो कहते हैं बिकॉज 0 डिग्री डज नॉट मीन द 0 हीट इज प्रेजेंट। जब हमारे पास टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारे पास हीट जो है वो ज़ीरो है, जो एक्चुअल में ज़ीरो है। ज़ीरो जो है वो बेसिकली एक नंबर है, उसका कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई हीट की वैल्यू है जिसको हम ज़ीरो कह रहे हैं। इसी तरह नेगेटिव में जब टेम्परेचर जाएगा तो वो भी एक नंबर है, उसकी एक वैल्यू है जिसको हम कह रहे हैं कि ये नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ज़ीरो का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि टेम्परेचर आज है ही नहीं, ठीक है? ज़ीरो बजाते खुद एक नंबर है। यू कैन हैव इवन लेस हीट एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो हीट का लेवल होगा वो कम होगा। और ये इंटरवल स्केल में मैंने आपको बताया, ये हम कंपेयर कर सकते हैं। ऑर्डिनल स्केल की सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास होंगी, प्लस उसके बाद एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है कि हमारे पास इक्वल डिस्टेंस होगा। तो एनी हो, ये ऑर्डिनल की प्रॉपर्टी जाहिर है फुलफिल करेगा कि हमारे पास जो 0 डिग्री पे हीट है वो लेस है 1 डिग्री की हीट की, जो कि ऑर्डिनल की प्रॉपर्टी है, वो इंटरवल स्केल में भी एग्जिस्ट करेगी। इसके साथ ये प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करेगी कि डिफरेंस बिटवीन 60 एंड 50 डिग्रीज इज अ मैयरेबल 10 डिग्रीज। तो 50 और 60 के दरमियान जो डिफरेंस है, अब हम उसको भी मैयर कर सकते हैं कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 10 डिग्रीज का है, जो कि ऑर्डिनल स्केल में हम नहीं कर पा रहे थे। एंड इज द डिफरेंस बिटवीन 80 एंड 70 डिग्रीज, और यही 10 डिग्रीज जो डिफरेंस होगा वो 80 और 70 डिग्रीज के दरमियान में होगा। अच्छा, इसके बाद एक और अच्छी सी एग्जांपल आपके पास टाइम की है। तो टाइम भी इंटरवल स्केल में आता है, इसमें भी सारी प्रॉपर्टीज हैं। एक से लेकर, अगर आपके पास 1 o'clock टाइम है, फिर 2 o'clock हो जाता है तो आपका 1 आवर पास होगा। तो 1 से अगर 2 पे जाते हैं तो फिर भी, सॉरी, 2 से अगर 3 पे जाते हैं फिर भी 1 आवर पास होगा। 3 से हम 4 o'clock पे चले जाते हैं तब भी 1 आवर पास होगा, इक्वल डिस्टेंस है।
और उसके बाद दूसरी बात यह है कि जीरो का मतलब ये नहीं है कि टाइम है ही नहीं। आप अपने क्लॉक में देखते होंगे जो 24 आवर क्लॉक्स हैं उसमें एक दफ़ा टाइम आता है 0000000, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब टाइम ख़त्म हो गया, टाइम अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा दुनिया में, ऐसी बात नहीं है। वो एक नंबर है जो कि मौजूद है, तो टाइम भी एक एग्जाम्पल है इंटरवल स्केल की। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। जो इंटरवल स्केल है उसकी अब तीन प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली तो वही दो हैं जो आपको ऑर्डिनल में नजर आई थी, आइडेंटिटी एंड मैग्नीट्यूड, और तीसरी प्रॉपर्टी जो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ इक्वल डिस्टेंस की है। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स इसमें जो अप्लाई हो सकती हैं वो हो सकती हैं लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस एंड माइनस, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये हम यूज नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आपका जो लास्ट स्केल है दैट इज रेशो स्केल। रेशो जैसे आपको नाम से भी पता चल रहा है इसका मतलब, इसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड, रेशो का मतलब भी डिवाइड होता है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रॉपर्टीज हम इसमें फुलफिल करेंगे। तो रेशो स्केल, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द फैक्टर विच क्लियरली डिफाइंस द रेशो स्केल इज दैट इट हैज अ ट्रू 0 पॉइंट। तो इसमें ट्रू 0 पॉइंट होगा, जो इंटरवल स्केल है उसमें ट्रू 0 पॉइंट नहीं था, इसमें ट्रू 0 पॉइंट मौजूद होगा। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो रेशो स्केल फुलफिल करेगा, इंटरवल स्केल की सारी प्रॉपर्टीज प्लस ट्रू 0 पॉइंट, या ट्रू 0 पॉइंट कह सकते हैं, एब्सोल्यूट 0 कह सकते हैं, तो ये रेशो स्केल फुलफिल करेगा। हेयर द नंबर्स मेयर एन एक्चुअल अमाउंट, तो नंबर जो है वो एक्चुअल अमाउंट को मेयर करेंगे। देयर इज एन इक्वल यूनिट ऑफ मेयरमेंट एंड जीरो ट्रूली मीन नन ऑफ द वेरिएबल इज प्रेजेंट, यानी जीरो का मतलब बिल्कुल यही होगा कि कुछ भी मौजूद नहीं है, जो कि इंटरवल स्केल में ऐसा नहीं था। इंटरवल स्केल में जीरो भी एक नंबर था, कोई किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करता था, तो यहाँ पे जीरो का मतलब ये होगा कि नथिंग इज प्रेजेंट। ऑल्सो ओनली विद रेशियो स्केल्स कैन वी मेक रेशियो स्टेटमेंट्स सच एज 4 इज ट्वाइस एज मच एज 2। तो रेशियो वाले स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम रेशियो स्केल में ही यूज कर सकेंगे कि 4 जो है वो डबल है 2 का। तो इसी तरह 8 जो है वो 4 गुना है 2 का। तो ये वाली स्टेटमेंट्स जो हैं वो सारी हम रेशियो स्केल में यूज़ कर सकेंगे, जो कि हम इंटरवल स्केल में यूज़ नहीं कर पा रहे थे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा उसको भी डिस्क्राइब कर देता हूँ कि अगर टेम्परेचर आपका फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और 40 से वो फॉर एग्जांपल 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जितनी गर्मी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी उससे डबल गर्मी अब हो गई है, तो ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि वो टेम्परेचर इंटरवल स्केल पे है। लेकिन रेशियो स्केल में हम ये बात बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं हमारे पास जो है वो गुड एग्जांपल्स ऑफ रेशियो स्केल आर लेंथ, वेट एंड हाइट। तो लेंथ आप देख सकते हैं, जब लेंथ हमारे पास 0 होगी इसका मतलब कोई लेंथ नहीं है, इसी तरह वेट और हाइट का भी आप जब 0 होगा इसका मतलब नो वेट नो हाइट। और उसके बाद जो दूसरी आपकी रेशियो वाली प्रॉपर्टीज हैं कि आप जो मल्टीप्लाई करके फॉर एग्जांपल वेट की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ 5 किलो जो है वो मैंने शुगर ले ली है, चीनी ले ली है, तो अगर मैं 10 किलो ले लेता हूँ तो इसके मतलब मैंने डबल चीनी ले ली है। तो अगर मेरे पास गंदम की पैदावार की बात करता हूँ, मैंने जी 40 मन गंदम ली है, तो किसी की अगर 1 एकड़ से 80 मन गंदम आ रही है तो वो कह सकता है कि उसकी पैदावार से या मेरी पैदावार से उसकी डबल गंदम जो है वो उसने प्रोडक्शन की है। तो ये वाले जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल रेशियो स्केल में होंगी। तो रेशियो स्केल हैव 4 प्रॉपर्टीज़। तीन प्रॉपर्टीज तो वही हैं जो इंटरवल स्केल वाली हैं, यानी आइडेंटिटी, मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डिस्टेंस। और लास्ट प्रॉपर्टी जो रेशियो स्केल में आएगी वो होगी एब्सोल्यूट 0। इसमें 0 का मतलब बिल्कुल 0 है, नथिंग, जो कि इंटरवल स्केल में नहीं था। तो ये चौथी प्रॉपर्टी शामिल हो गई रेशियो स्केल में। और ऑल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैन बी अप्लाइड टू रेशियो स्केल्स।
ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो रेशियो स्केल पे अप्लाई हो जाएंगी, हो सकती हैं, कर सकते हैं। तो आपने नॉर्मली जो मैथ में नंबर्स पढ़े हैं और जो आपने अलजेब्रा एट्सेट्रा जो भी पढ़ा है, जितने भी नंबर्स आप यूज़ करते हैं, आप रेशियो स्केल के नंबर्स ही आज तक पढ़े हैं। तो बाकी जो है वो बेसिकली आपने पढ़े भी होंगे तो आपको आइडिया, डिफरेंस नहीं पता चला होगा कि ये रेशियो है, ये इंटरवल है या ऑर्डिनल है। तो अब आपको ये डिफरेंस का आइडिया हो जाना चाहिए कि नॉमिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है, इंटरवल क्या है और रेशियो स्केल क्या है, और उनमें डिफरेंस भी आप कर सकें। और उस पे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अगर अप्लाई करना चाहें तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अप्लाई हो भी सकती है या नहीं हो सकती। तो रेशियो स्केल में आपकी सारी की सारी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स अप्लाई हो सकती हैं। तो ये तो था आपके जो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैं, फोर स्केल्स आपके पास, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल्स। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किया है मैंने, एरर्स ऑफ मेजरमेंट। जब आप मेजर करते हैं तो उसमें कौन कौन सी एरर्स या क्या एरर्स आ भी सकती हैं या नहीं। अ सॉर्ट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम ट्रू वैल्यू इज नोन एज एरर ऑफ मेजरमेंट। जो ओरिजिनल वैल्यू है उसकी बजाय हमारे पास कोई और वैल्यू आएगी तो उसको हम कहेंगे एरर। तो ट्रू वैल्यू का मतलब एक्चुअल वैल्यू, और उससे डिपार्चर, उससे दूरी जो होगी वो हमारे पास एरर ऑफ मेजरमेंट होगी। तो अ कंटिन्यूस वेरिएबल, डेफिनेशन आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है। अ कंटिन्यूस वेरिएबल कैन नेवर बी मेजर्ड परफेक्टली ड्यू टू सर्टन हैबिट्स, प्रैक्टिसेस, मेथड्स यूज फॉर मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स एट्सेट्रा। तो जो हमारी हैबिट्स, प्रैक्टिस, ये सारी जो चीज़ें लिखी हैं, इनकी वजह से कंटिन्यूस वेरिएबल जो है वो कभी भी एग्जैक्ट मेजर नहीं हो सकता। उसकी नीचे एग्जाम्पल लिखी हुई है, वेट रिकॉर्डेड टू बी 85 ग्राम। हमने एक मशीन पर फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंडिविजुअल का वेट किया है, वो 85 किलोग्राम है। तो वेयर एज वेट लाइज, तो उसका 85 का मतलब क्या है? 85 का मतलब ये नहीं है कि उसका वेट एग्जैक्टली 85 है, उससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है। और वो थोड़ा बहुत कम किस वजह से हो सकता है वो आपको रीजंस ऊपर पता चल गई हैं कि हमारी मशीन में फॉल्ट हो सकता है, या मशीन थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ बताती हो। जैसे फॉर एग्जांपल सम ग्राम्स है, वो हो सकता है वो मशीन मैयर ही ना करती हो, या ये भी हो सकता है कि वो तो मैयर कर रही हो, हम लिख ही ना रहे हो। हमारी हैबिट बनी हुई है कि जब 0.999 आए तो हम उसको राउंड कर दें, हम राउंड कर रहे हों, तो कुछ भी रीज़न हो सकती है। या बाज़ का ये प्रैक्टिस चल रही होती है, जी ये नंबर इस तरह करके आए तो इसको ऐसे लिख लिया करें। हर जगह पे न्यू प्रैक्टिसेस होती हैं, उनकी अपनी प्रैक्टिसेस होती हैं, तो कोई भी प्रैक्टिस चल सकती है। तो ये पॉसिबल है कि जब हमने 85 लिखा तो उसका मतलब हो सकता है कि वो 84.995 और 85.005 इसके दरमियान में कोई वैल्यू है। तो एग्जैक्ट हमने हमारे पास मेजरमेंट नहीं आई। तो ये जो डिफरेंस है ये आपके पास कहलाता है एरर। और एरर कितना है इन दोनों का डिफरेंस? ये आपके पास 85 जो है ये तो ओरिजिनल वैल्यू है जो हमने मेजर की है, लेकिन एक्चुअल में, सॉरी, 85 जो वो वैल्यू है जो मैयर की है, और एक्चुअल में जो वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल 84.995 ही है। तो जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे एरर, और एरर को लिखा जाता है स्टैट में एप्सिलॉन से। ये आपको जो नोटेशन नज़र आ रही है इसको एप्सिलॉन कहेंगे, और एप्सिलॉन जो है ये स्टैट में आपकी एरर को शो करता है। तो ये एरर्स जो हैं वो कंटिन्यूस स्केल में हमेशा आपने ज़हन में रखनी है कि ये मौजूद होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। बहुत इजी सा एक टॉपिक है कि प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो प्राइमरी डेटा रेफर्स टू द फर्स्ट हैंड डेटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। जब हम कोई रिसर्चर कोई काम कर रहा है तो वो खुद ही जाके डेटा कलेक्ट कर ले तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी डेटा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एक रिसर्चर को कि ये ज़रा मुझे डेटा इकट्ठा करके दें कि आपके जो, फॉर एग्जांपल जंग की बात कर लेते हैं, जंग में जो करियाना स्टोर्स हैं उनकी
कितनी सेल है डेली बेसिस पर। तो वो क्या करेगा, जाएगा जाके रिसर्चर जो है वो खुद ही जाके डाटा कलेक्ट करेगा एक शॉप से। वो कहेगा जी कितनी आपकी सेल कितनी हुई है, दूसरे शॉप पे जाएगा सेल कितनी हुई, तीसरी शॉप पे जाएगा सेल कितनी की हुई है, वो सारी की सारी लिखता जाएगा। तो उसको हम कहेंगे कि ये डाटा क्योंकि उसने खुद कलेक्ट किया है, इसको हम कहेंगे प्राइमरी डाटा है। दूसरा है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा मीन्स डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर, किसी ने पहले ही कलेक्ट कर लिया डाटा को एंड हैव अंडरगॉन एनी स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट एट लीस्ट वंस। और उसने जब डाटा कलेक्ट किया तो उस पर कोई ना कोई स्टैट अप्लाई की, कुछ ना कुछ उस पर उसने काम कर लिया है पहले, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा रिसर्चर खुद कलेक्ट नहीं करता, बल्कि किसी और का कलेक्ट किया हुआ डाटा जो है वो हम ले लेते हैं, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी डाटा। फॉर एग्जांपल, आप अक्सर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पे आप कहते हैं जी लास्ट गवर्नमेंट की निस्बत इस गवर्नमेंट में इतने परसेंट महंगाई हुई है, तो वो आपके लिए सेकेंडरी डेटा है। आपने खुद जाके मैयर नहीं किया कि कितनी महंगाई हुई है, किस तरह मैयर करना है, किस तरह महंगाई बना रहे हैं हम। तो वो सिर्फ हमारे पास एक सेकेंडरी डेटा है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ये डेटा कलेक्ट कर रही है और आपको बता रही है कि ये हमारे पास। इसी तरह बैंक्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास बैंक्स अक्सर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो डेली बेसिस पर और वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर डेटा कलेक्ट करके हमारे पास वो पब्लिश करके हमें बताता है। तो फॉर एग्जांपल उसमें हम ये कैसे, वो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन देता है कि इस मंथ एंड पे हमारे पास इतने डॉलर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, तो पूरे पाकिस्तान में कितने डॉलर्स मौजूद हैं वो हमें जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बताएगा तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये जो डाटा है ये सेकेंडरी डाटा है, ये हमने खुद कलेक्ट नहीं किया, ये गवर्नमेंट का एक इदारा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसने कलेक्ट करके हमें बताया है। नेक्स्ट है कि इनको कलेक्ट कैसे किया जा सकता है, प्राइमरी डाटा को कैसे कलेक्ट किया जा सकता है, सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो तरीकाकार जो मेथड्स मौजूद हैं उसमें सबसे पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कि हम खुद जाएं, खुद जाके डाटा कलेक्ट करके लें। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि करियाना स्टोर से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, खुद ही जाके, खुद ही उनसे पूछ के, खुद ही राइट करके, ये हम पर्सनल, ये पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में पर्सनल इंटरव्यूज भी हो सकते हैं। जाहिर है इंटरव्यू का मतलब यही है कि हमने जाके उनसे जो बातचीत करनी है उसको हम इंटरव्यू कहेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन या इंटरव्यू एक ही मीनिंग में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो दूसरा प्राइमरी डेटा जो कलेक्ट हो सकता है वो क्वेश्चन एयर के थ्रू हो सकता है, कि आप एक क्वेश्चन एयर बना लें, शायद आप में से किसी ने ये काम किया भी हो, और अगर नहीं किया तो आपने देखा ज़रूर होगा कि एक क्वेश्चन की लिस्ट बना के आपके पास ले आएगा रिसर्चर, आपसे कहेगा जी इसको फिल कर दें। उसमें लिखा होगा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका फॉर एग्जांपल एजुकेशन क्या है, और इसी तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो डाटा लेना चाहता है कि आप टीवी कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो आपसे पूछेगा, क्वेश्चन एयर में लिखा होगा कि विच टीवी डू यू यूज़। तो उसके बाद या मोबाइल के बारे में पूछना चाहता है तो विच मोबाइल डू यू यूज़, ये क्वेश्चन हो सकता है उसमें, या कौन सी कंपनी का मोबाइल आपके पास है क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन बना के फॉर एग्जांपल 20-30 क्वेश्चन जो हमने डाटा लेना है, जो रिसर्चर ने डाटा लेना है, वो क्वेश्चन एयर की शक्ल में बना के डाटा कलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट है थ्रू एनमरेटर्स। एनमरेटर क्या होता है, ये बेसिकली आप ये समझ लें कि हाँ एक रिसर्चर जो है वो रिसर्च करने के लिए बजाय इसके कि खुद जाके डाटा कलेक्ट करे, बल्कि वो क्या करता है किसी को हायर कर लेता है। एक रिसर्चर किसी को हायर कर लेता है, हायर करके कहता है, एनमोरेटर उसको कहते हैं, वो जाके डाटा कलेक्ट करके उसको ला के देता है। तो वो भी प्राइमरी डाटा होगा, वो रिसर्चर की बिहाफ पे वो कलेक्ट करके ले आएगा, उस पर वो कुछ भी नहीं करेगा, वो डाटा एज इट इज़ आके रिसर्चर को देगा। तो ये कहे इसको भी हम प्राइमरी डाटा, इस तरह भी कलेक्ट हो सकते हैं, इसको प्राइमरी डाटा ही कहेंगे।
नेक्स्ट है थ्रू लोकल सोर्सेज। अब ये नॉर्मली इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे दूं, जैसे गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करती है तो वो लोकल सोर्सेज के थ्रू कलेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी छोटे लेवल पे जाके, विलेज लेवल पे जाके, तो वो किसके जिम्मे लगाएगी? वो जिम्मे लगाएगी या पटवारी के जिम्मे लगा लेगी, SHO के जिम्मे लगा लेगी, जो जिस नौइयत का काम होगा उस हिसाब से वो लोकल सोर्स से यानी लोकल पर्सन से ही वो डाटा कलेक्ट करेगी कि ये वाले इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक जज चला जाता है किसी केस का, उसने डिसाइड करना है, तो उसकी एक्चुअल जो है वो डेटा कलेक्ट करने के लिए वो उस विलेज में चला जाता है और लोगों से पूछता है कि ये जो फलां केस हुआ है, जो लड़ाई हुई है फलां पार्टी और फलां पार्टी में, ये कैसे हुई है। तो ये लोकल सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करना है, यानी वो लोकल लोगों से पूछ रहा है, तो ये लोकल सोर्सेज के थ्रू डेटा कलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है यूजिंग मेल और ईमेल। तो मेल का मतलब ये है कि हम एक लेटर लिखें, लेटर लिख के उसमें हम डाटा मांग लें उनसे, वो हमें रिप्लाई लेटर में कर दें। और उसकी एडवांस टेक्निक जो आजकल आई है वो ईमेल आई है। मेल वाली सर्विसेज अब तकरीबन ख़त्म होती जा रही हैं, तो ईमेल जो है वो उसी के एडवांस फॉर्म है कि हम इधर से अब सेंड करेंगे तो सेम मोमेंट या आफ्टर आफ्टर आफ वन मोमेंट, यानी एक सेकंड भी नहीं लगेगा, वो ईमेल उनके पास पहुंच जाएगी और वो डाटा जो है वो जब कलेक्ट कर लेंगे तो विद इन नो टाइम वो सेंड करेंगे तो हमारे पास पहुंच जाएगा। तो ये ईमेल और मेल के थ्रू भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं जो प्राइमरी डाटा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी डाटा की। तो सेकेंडरी डाटा जो है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, अभी आपको बताया जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से डाटा ले लिया, या आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डाटा ले लिया कि कितनी प्रोडक्शन हुई है फॉर एग्जांपल वीट की इस साल में, तो ये हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से डाटा लेंगे तो कलेक्ट क्योंकि उन्होंने किया है हम उनसे ले रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी डाटा। उसके बाद है ऑफिशियल न्यूज़, ये भी अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल दी कि न्यूज़पेपर में आपको बता दिया जाता है कि हमने फलां प्रोजेक्ट किया है, वो इतने करोड़ उस पर लगाए हैं, तो वो आपके पास ऑफिशियल न्यूज़ है, उससे आप डाटा ले सकते हैं। वो क्योंकि कलेक्ट उन्होंने किया हुआ है, हमने नहीं किया, हम सिर्फ उसको यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ ऑफिशियल न्यूज़ डाटा, सेकेंडरी डाटा। उसके बाद पब्लिकेशन, पब्लिश कर दिया जाता है कोई डाटा, बुकलेट की शक्ल में मौजूद होता है, चाहे वो पब्लिकेशन जो है वो आपके पास पेजेस की शक्ल में हो या कंप्यूटर में मौजूद हो, तो दोनों सूरतों में वो वहाँ से जब आप डाटा लेंगे तो वो पब्लिकेशन की सूरत में वो भी सेकेंडरी डाटा होगा। उसके बाद जर्नल्स एंड रिसर्चेस, रिसर्च लोग करते हैं, जो भी रिसर्च करेगा उसकी कोई ना कोई रिपोर्ट बनाएगा, उसको कहीं ना कहीं पब्लिश करेगा, या कहीं ना कहीं अवेलेबल होगी, किसी लाइब्रेरी में मौजूद हो सकती है या जर्नल में पब्लिश हो जाती है, जो रिसर्चेज हैं ये जर्नल में पब्लिश होती हैं, तो जर्नल से हम जो है वो रिसर्च लेके उसमें से डाटा हम निकाल सकते हैं, सेकेंडरी डाटा। तो ये था कलेक्शन के मेथड्स के, डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, प्राइमरी डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो यही आज का लेक्चर था, ये लास्ट टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो आई ऑलवेज से आई एम अवेलेबल फॉर यू, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से आपको समझ नहीं आ रही, तो वो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या किसी एग्जाम्पल की समझ नहीं आ रही। मज़ीद ये है कि जब आप कोई बुक्स में से पढ़ेंगे तो बाज़ूकात ये होता है कि आप बुक पढ़ रहे होते हैं तो जो चीज़ मैं बता रहा होता हूँ आपको लग रहा होता है कि बुक में शायद उससे थोड़े से डिफरेंट वे में लिखी हुई है, तो आपको जब समझ नहीं आ रही तो डेफिनेटली आप मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या रिलेशन है इस चीज़ का। तो एनी हाउ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे और मुझे भी खुशी महसूस होगी जब आपको किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो आप मुझे मेरे से वो क्वेश्चन करें। तो इंशाल्लाह ये आज का मेरे ख्याल में आखिरी लेक्चर होगा जो आपका ऑनलाइन होगा, नेक्स्ट जो है वो फेस टू फेस आपके लेक्चर्स होंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप इन दो लेक्चर्स को जो अभी तक आपको डिलीवर कर चुका हूँ इनको प्रिपेयर कर लें, इनकी डेफिनेशंस आप याद कर लें ताकि
साथ का काम साथ होता रहे, फिर ये ना हो कि आपका एग्जाम के दिन इकट्ठा हुआ पड़ा हो, फिर आप बैठे हों जी अब कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ। तो उम्मीद है कि आप इसको साथ साथ रेडी करते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज़।